हेलो दोस्तों, बेस्ट इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, इंडेक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि निफ्टी 50, नेक्स्ट निफ्टी, नेक्स्ट 50, उसका ही नहीं होता है। बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, कुछ थीमेटिक इंडेक्स होते हैं, कुछ यहाँ पर स्ट्रेटेजी इंडेक्स होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा इंडेक्स है जहां पर 2022 में, नए साल में मेरा फोकस रहेगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इंडेक्स के अगर आप फैन है, फॉलो करते हैं, जानना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा। अब देखिए, जब हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से, जो टॉप का 50 जो शेयर्स का जो इंडेक्स है, और लगभग 66% से ज्यादा का यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो आप देखिए, उसका 3 साल का रिटर्न, अब 2021 एंड हुआ है, मतलब 2019 जनवरी से लेकर, जनवरी 1 से लेकर 2021, मतलब पूरे 3 साल का रिटर्न है 18.29, 5 ईयर का रिटर्न है 17.67। तो ये मेरे लिए बेस हो गया, मतलब जिस दूसरे भी इंडेक्स ने इसको बीट किया, मैं जरूर उसको फॉलो करूंगा। निफ्टी 500 है, जो टॉप की पूरी 500 कंपनीज को ले ले रहा है, उसका रिटर्न है 19.13 और 5 ईयर रिटर्न है 17.9%। मतलब मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, जो भी इंडेक्स मोटा मोटी 18% से ज्यादा जिन्होंने 5 ईयर में रिटर्न दिया है, वो मैं जरूर उसको देखूंगा। लेकिन दूसरा जो चीज है वो है वोलेटिलिटी। कोई इंडेक्स ऐसा भी है, मैं रिसर्च कर रहा था, कुछ कुछ जगह में 30% भी रिटर्न आए हैं, लेकिन वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो मैं वोलेटिलिटी को जितना हो सके कम करने की कोशिश करूंगा। ये समझना जरूरी है दोस्तों, रिटर्न भले ही ज्यादा मिले, लेकिन वोलेटिलिटी आपके लिए और ज्यादा हो तो वो रिस्की होता है। तो वोलेटिलिटी जहां भी 15 से कम होगी, मैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की कोशिश करूंगा। और डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड अब परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है, लेकिन आपको पता ही है मैं डिविडेंड पर फोकस करता हूं, मैं डिविडेंड इन्वेस्टर हूं, तो मेरे लिए एक डिविडेंड भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है। अब मैं नेक्स्ट लेवल पर, मैंने जो इंडेक्स को जो देखा है, तो यहां पर 3 क्राइटेरिया को देखा है। रिटर्न अच्छे डिसेंट होना चाहिए, एटलीस्ट निफ्टी को बीट करना चाहिए, वोलेटिलिटी उसकी कम होनी चाहिए और डिविडेंड देना चाहिए। अब आप यहां पर अपने हिसाब से भी चेंजेस कर सकते हैं। सपोज आपको डिविडेंड पसंद नहीं है, आपको मोमेंटम पसंद है, तो आप डिविडेंड को नहीं ले सकते। आपको हाई वोलेटिलिटी स्टॉक चाहिए, तो आप उस हिसाब से भी फॉलो कर सकते हैं। तो कुछ इंडेक्स है जो स्ट्रेटेजी इंडेक्स है, जो मैं लेकर आया हूं, जैसे कि निफ्टी अल्फा 50, निफ्टी 50 वैल्यू 20, निफ्टी 200 मोमेंटम और निफ्टी 100 अल्फा 30। सबसे अच्छा अगर आप रिटर्न देखेंगे तो निफ्टी अल्फा 50 ने दिया हुआ है, 33% का रिटर्न दिया हुआ है। और इन सब ने निफ्टी 50 जो हमने देखा अभी 15-16% हम देख रहे थे ना, ये देखिए यहां पर जो निफ्टी को है, निफ्टी को यहां 18%, तो ये 18% से ऊपर इन सब ने बीट किया हुआ है। तो ये मैंने पहले से ही फिल्टर लगा लिया है। तो इन चारों ने 5 साल में अच्छा रिटर्न दिया है और 3 साल में भी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। बट नेक्स्ट लेवल पर क्या आ जाता है, वोलाटिलिटी आ जाती है। अब वोलाटिलिटी भी अगर आप देखें, अगर आपको मैं यहाँ निफ्टी की वोलाटिलिटी दिखाऊं, कितना है 15.6, मतलब 15 से कम अगर वोलाटिलिटी हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा। तो वोलाटिलिटी यहाँ देखिए 18.58 है, यहाँ 14 है, 14.5 या 19.9, 17.9। तो बेस्ट जो या कम, सबसे कम वोलाटिलिटी है निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स की। तो ये इंडेक्स मैं जरूर फॉलो करूंगा। दूसरा, मैंने अपना एक और क्राइटेरिया रखा है, ये पर्सनल क्राइटेरिया है, डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड मुझे कौन दे रहा है सबसे ज्यादा, 2.74% में निफ्टी 50 वैल्यू 20। तो मेरे लिए एक तरीके से थोड़ा सा नो ब्रेनर हो जाता है निफ्टी 50 वैल्यू 20, क्योंकि यहां मुझे कम वोलेटाइल स्टॉक्स मिल रहे हैं, मुझे डिविडेंड यील्ड भी मिल रहा है। अब देखिए 22.80, मतलब 23% ऑलमोस्ट, और उसमें मैं डिविडेंड भी ऐड कर दो तो मुझे 25.5% का रिटर्न मिल जा रहा है। यहां पर डिविडेंड भले ही यहां पर थोड़ा सा, यहां पर डिविडेंड खैर कम हो, लेकिन वोलेटिलिटी यहां पर ज्यादा है, तो मेरे लिए रिस्की है। निफ्टी अल्फा में भी रिस्की है। हाँ, सबसे अच्छा जो है निफ्टी अल्फा 50, जहां पर रिस्क लेकर भी बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो निफ्टी अल्फा 50 को भी मैं अपने फोकस पे रखूंगा। तो दो इंडेक्स जो बिल्कुल मेरे फोकस में रहेंगे नए साल में, एक है निफ्टी 50 वैल्यू 20 और निफ्टी अल्फा 50, ये दोनों इंडेक्स। निफ्टी 50 वैल्यू 20, आपको मैं बता दूं, जो 10 स्टॉक हैं, वो जो नवंबर एंड में जो 10 स्टॉक थे, वो थे TCS, इंफोसिस, लार्सन एंड टूब्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, HCL टेक्नोलॉजी,
विप्रो, सॉरी टेक महिंद्रा, विप्रो, पावर ग्रिड और हिंडालको, तो ये 10 नाम थे। अब चैनल को जो जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही दिसंबर का जब अपडेटेड डेटा आएगा तो यहां पर कुछ नए नाम भी ऐड होंगे, यहां पर वेटेज भी कुछ ऊपर नीचे होंगे। जैसे कि इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम, ये 10 में नहीं था, वो टॉप 20 में है, तो टॉप 10 में ये नाम मैंने बताया। तो इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम भी इस इंडेक्स में शामिल होंगे, वैल्यू वाले इंडेक्स में। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि निफ्टी खुद कह रहा है कि इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम को अब हम वैल्यू स्टॉक्स देखते हैं। भले ही वो TCS, टेक महिंद्रा, इन सबको देखता है, लार्सन एंड टुब्रो को देखता है, लेकिन अब इन लोगों को भी देखेगा। तो ये जनवरी से आएगा ये, और मुझे लगता है कुछ एक सप्ताह के अंदर नई रिपोर्ट्स आ जाएगी। तो मैं अपडेट करता रहूंगा, आपको मैं पोस्ट करता रहूंगा। आपको कुछ और भी यहां पर देखना है तो मुझे बिल्कुल सजेस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में, आपको मैं बता दूंगा। उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा था, निफ्टी अल्फा 50 को भी मैं फोकस करूंगा, लेकिन वहां थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो वहां मैं थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक जाऊंगा। तो नया जब अपडेट आ जाएगा तो उसके भी जो टॉप 10 के जो स्टॉक्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इनफैक्ट निफ्टी अल्फा 50 के भी कुछ स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, लेकिन एक बार पूरा डेटा आ जाता है तो मुझे लगता है मैं और अच्छे से आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो उसके लिए मुझे लगता है 5-6 दिन का मैं वेट करूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अगला वीडियो रहेगा कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, ये जो था स्ट्रेटेजी इंडेक्स था, अब हम सेक्टर्स पर बात करेंगे। अगला वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूंगा। आपका कौन सा फेवरेट यहां पर है जरूर बताइए। 10 स्टॉक्स के बारे में हमने बात की है, ये देख लीजिए ये 10 स्टॉक में से आपके कौन से फेवरेट है जिनको आप 2022 में अपना बेट मान रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको जरूर वैल्यू मिली होगी, और अगले वीडियो में नए डेटा के साथ फिर से हाजिर मैं होऊंगा दोस्तों, इस निफ्टी 50, वैल्यू 20 और अल्फा वाला जो इंडेक्स है उसके बारे में। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच।